गाइज, वेलकम टू माई चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छी होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। हम बिल्कुल ठीक हैं। और लेट्स सी आज क्या होने वाला है। एक जस्ट रैंडम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है, और जैसा कि आप लोग मुझसे बोल भी रहे थे कमेंट में, और मुझे बनाना भी था अच्छी के लिए सैलेड, तो आज मैं दो तरह का सैलेड बना रही हूँ। मेरे को एक और सैलेड बनाना है उसके लिए, जो कि दाल वगैरह इन सब का, वो फिर मैं किसी और वीडियो में आपको दिखाऊंगी। वीडियो बहुत लंबा भी हो जाएगा, तो आज मैं बना रही हूँ उसके लिए एक तो सारे मिक्स ड्राई फ्रूट्स का, और एक मैं बनाऊंगी पर्टिकुलर सिर्फ मखानों का। तो ये दो मैं सैलेड उसके लिए बनाऊंगी, तो आज व्लॉग में मैं आपको ये भी दिखा दूंगी। वैसे मैंने व्लॉग्स में दिखाया है दो बार, बट शायद जिन्होंने नहीं देखा वो मुझसे बोल रहे थे, तो यही कुछ आज व्लॉग में होगा। ये मेरी चियो की निन्नी पूरी हो गई और ये उठ गया। अरे अरे, ये क्या है, ये क्या है? मम्मा आपके लिए सैलेड बनाने जा रही थी, अभी आपको और सोना था, आप उठे कैसे? हाँ, कैसे उठी गए? अरे मेरा प्यारा प्यारा बेटा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसको पता चल गया मम्मा इसको अकेला छोड़ के नीचे जा रही थी। खड़े खड़े खड़े, ओले ओले मेरा बेटा, ओले मेरा बेटा। हाँ, ये छोड़, देखो शर्मा रही है। कल से इसने कंटिन्यू रट लगा रखी, पा 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 करे जा रही है। पापा देखो, चियो के पापा कहाँ हैं? कब आएंगे चियो के पापा? हाँ, सो बस अपने पापा को मिस कर रही है ये, और वो भी एक दो दिन में आ ही जाएंगे। सो बारिश आई है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। मैंने सोचा था सो रही है, मैं फटाफट से नीचे चलती हूँ, बट अभी उठ गई तो उसको साथ ही लेके जाऊंगी मैं। चियो, ए चियो, हाँ मम्मा, हेलो मम्मा, अरे। सो चियो मेरी उठ चुकी है, और मुझे इसका बड़ा क्यूट लगता है, ऐसे देखती है ना। तो इसको बस मैं साथ में नीचे लेके जा रही हूँ, ताकि देखा ना इसके नॉटीनेस। So, इसके लिए भी मैं आपको कुछ लंच वगैरह प्रिपेयर करूंगी। So, आपने देखा ना ये कैसे कैसे एक्टिविटी करती है, कैसे देखती है ना। और बस अब हम जाएंगे नीचे 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 नीचे। जी बारिश हो रही है, बारिश 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 बारिश। चियो का बर्थडे आने वाला है, चियो का बर्थडे आने वाला है ना चियो? ओए चलो, आ जा। राधे राधे कर दो, ये राधे राधे करो, क्लैप करो, क्लैप राधे राधे। फोन नहीं करना, क्या है देखो आजकल इसको, नहीं हेलो नहीं करना, राधे 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 करो। तो अभी मैं आ गई थी किचन में, और ग्रॉसरी के लिए मैं बना रही थी लिस्ट। तो 3 महीने होने को आ रहे थे ग्रॉसरी का सामान आए हुए, तो बस सब कुछ थोड़ा ख़त्म सा ही होता जा रहा था, और मेरे लिए मिर्च मसाले ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा वही लिस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद मैं दे दूँगी। तो आने में भी आज बना रही हूँ, कल तक दूँगी ये है। और मुझे ना ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ रह ना जाए, पर बेसिक सी वही चीज़ें होती है लाइक मिर्च मसाले, दालें, पोहा, हींग और सूजी, बेसन, ये सब मैं सामान देख रही थी कि क्या क्या बचा हुआ है, कितना मंगवाना है अभी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ सैलेड बनाना। तो आज मैं फर्स्ट हम जो बना रहे हैं वो है मखानों का। तो मैंने ना अच्छी क्वांटिटी में ये मखाने लिए हैं, 1 kg से भी ऊपर थे ये मखाने, ये फिर पिसने के बाद में बहुत थोड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको कढ़ाई में लेना है घी अच्छे से, और उसके बाद में जो मखाने हैं वो इनके अंदर डाल दो। मखाने बहुत अच्छा एक सोर्स है बेबी को न्यूट्रिशन देने का, मखाने बहुत अच्छे होते हैं हमारे लिए, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो बस सारे के सारे मखाने मैं इस कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी, और फिर इनको आपको धीरी एकदम धीमे आंच पे अच्छे से भुनना है। अभी आप देखोगे ना, पहले तो जो मखाने होते हैं सौगी सौगी से होते हैं, और उसके बाद में जैसे आप इनको हल्का हल्का भुनोगे 5-7 मिनट में ये इतने क्रंची हो जाएंगे, आप इनको फोड़ के देख सकते हो। ये परफेक्टली देखिए इस टाइम पर एकदम अच्छे से हो चुके हैं फ्राई। तो बस इस टाइम पर गैस को बंद कर दो, थोड़ा सा इनको ठंडा होने दो, फिर मैंने इसको पीस लिया था, और ये देखिए इतना सा पाउडर बना था बस। तो ये तो हो गया कि मखानों का सैलेड।
अब दूसरा हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट का सैलड, लाइक जो मैं शुरू से चिया को दे रही हूँ, आप लोग पूछ रहे थे कब से दे रही हूँ, तो जब से उसको सॉलिड देने लगी हूँ तब से दे रही हूँ। इसमें मैंने सफ़ेद तिल, ओट्स, मखाने, काजू, बादाम, अखरोट लिए हैं। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हम एक साथ नहीं तेल घी में रोस्ट करना है, इनको मतलब एक एक अलग अलग सिंगल सिंगल को करना है। पहले बादाम, काजू, फिर मैंने ये पोहा और ये क्या था, ओट्स और तिल अलग अलग करे थे, देन सबको अलग अलग पीस के फिर मैंने एक बड़े से पतीले में इन सबको मिक्स किया था अच्छे से। आप एक साथ पीसोगे ना तो ये बिल्कुल ऐसे चिपक के चूरमा टाइप हो जाएगा, क्योंकि ये अखरोट की वजह से होता है। उसके बाद में ये थे लास्ट में तिल, इन सबको पीस के अच्छे से मिक्स करके ये एक डब्बा मैंने भर लिया था, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बना था, दूसरे डब्बे में डाल दिया था मैंने। जी गाइस, तो मैं अभी आपको एक प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ जो कि आरू के लिए मंगवाया है और अभी आपको जामने में इसमें दिखाई देगा। लव लैब की मैंने ट्राई साइकिल मंगवाई है और बच्चों के लिए ना लव लैब के जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छे हैं, परफेक्टली डिज़ाइन किए गए हैं, सेफ़ हैं, उनके अंदर जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो भी BPA फ्री है, तो मैं तो बहुत बिलीव करती हूँ। चूँकि न्यूबॉर्न से लेके अभी तक मैं जितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ सब मैं लव लैब ब्रांड के ही यूज़ कर रही हूँ। उसके टॉयज़ ले लो, उसके बिब वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं लव लैब से ही रिलेटेड यूज़ कर रही हूँ, उसके डायपर वगैरह। सो ऐसे मैंने इसके लिए ट्राई साइकिल मंगवाई है, बहुत ही प्यारे फीचर्स है, बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन की गई है बच्चों के लिए और मुझे लगता है कि इसको बहुत पसंद आएगी। अब आने वाले टाइम पे बच्चों के लिए हमारे दोनों गुड़ियों के लिए ट्राई साइकिल होगा, ये सब बहुत यूज़ आने वाली है। सो मैं बताती हूँ इसके क्या क्या फीचर। ये है लव लैब ब्रांड की एलिगेंट लाइट किड्स ट्राई साइकिल। इसका जो फुल फ्रेम है मेटल का बना हुआ है और ये 1.5 से 5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए यूज़ आती है। 25 केजी तक के वेट को ये बेयर कर सकती है। ब्लैक कलर के अंदर है, ISI सर्टिफाइड है और आपको इसमें 3 पॉइंट सेफ्टी के लिए हार्नेस भी मिल जाते हैं। इसके जो व्हील्स है काफ़ी ज़्यादा बिग है और स्टडी व्हील्स हैं। इसमें आपको एंटी स्लिप पैडल्स की भी फैसिलिटी मिल जाती है। इसमें आपको फ्रंट स्टोरेज बास्केट मिलती है और बैक स्टोरेज बास्केट भी मिलती है। इसकी जो सीट है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है तो बच्चों के लिए काफ़ी कंफर्ट है और इसके अंदर 3 पॉइंट सेफ्टी हार्डनेस भी है। इसके अंदर आपको एक रिंग बेल मिलती है, साथ में जो इसके हैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रिप के हैं। इसके अंदर आपको पैरेंटल हैंडल भी मिलता है। इसको आप परचेज़ करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, साथ में इसके अंदर ब्रेक वाली फैसिलिटी भी है। उसके बाद में मैंने बनाया था खाना, तो रात बहुत लेट हो गई थी, देखिए अपनी किचन वगैरह फ्री करी मैंने। उसके बाद में पापा लेके आए थे, हम तो इन्हें काचरे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो बताना, तो ये लेके आए थे, इनको बस मैंने वॉश किया और अपने लिए फिर मैंने एक काट के थोड़ी देर फ्रीज में रखा था ठंडा करने के लिए, मुझे बड़े पसंद है ये। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9:15, अब मैं अपने रूम में आई और आज इतनी गंदी हालत हो रही है ना, सुबह से खड़ी हूँ आज, लिटरली सुबह उठी थी तब से दिन में बिल्कुल नहीं बैठे आज, क्योंकि दिन में मैं साइड लेग बनाने लग गई थी, साइड लेग बनाया क्योंकि यार दो दो बनाए थे, टाइम लगता है, वो वीडियो में बहुत जल्दी जल्दी लगता है, लेकिन एक एक ड्राई फ्रूट को घी में अच्छे से किया, देन उनको ठंडा किया, फिर उनको ग्राइंड किया ऐसे करके, और उसके बाद में फिर मैं बनाने लग गई थी खाना। तो खाना भी बहुत मतलब दो सब्जियाँ काफ़ी हो जाता, तो मैं ना एकदम गीली हो रही हूँ अंदर से, पसीने से बिल्कुल एकदम ऐसे टपक टपक ही हो रहा है और पैर ही रह गए आज तो मेरे खड़े खड़े, और मेरे को नींद आ रही है, और अभी तो खैर 3-4 घंटे कहीं नहीं सो पाऊंगी मैं, चिया ही नहीं सोने देगी मेरे को। फिर मैं अपने ये वीडियो से काम करूंगी, जो एडिटिंग वगैरह होती है ना, फिर वो मैं नाइट में करके रखती हूँ। सो ये सब प्रोसेस चल रहा है स्लॉग को, तो खैर अभी आज तो पूरा नहीं हो पाएगा, कल ही मैं इसको वापस करूँगी स्टार्ट। मैं सोच रही हूँ तो एक बार शावर ले लूँ, चिया को ले आऊँ नीचे से, वो नीचे है, और उसको भी अब उसका खाना बनाने जाऊंगी। जस्ट ऊपर आई हूँ 5 मिनट के लिए, मतलब अपनी बॉटल वगैरह ये सब रखने, अब मैं नीचे वापस जा रही हूँ एक बार चिया का खाना वाना बना के, मतलब आधा घंटा और फिर मैं फ्री हो पाऊँगी, मतलब कि बैठ पाऊँ। ये चल रहा है आज, ये हमारा गुंडा राज आ चुका है, ये देखिए। हाँ च्यू, ये अपने पापा को बहुत मिस कर रही है, 2 दिन से रेगुलर पापा पापा बोले जा रही है, पापा को मिस कर रहा है मेरा बेटा। अच्छा अच्छा, चू आप नीचे आ जाओ, मम्मा बेडशीट सही कर दे अपनी, फिर सोई सोई करेंगे, आ जाओ खाना ठंडा हो जाए, खाना खाओ और फिर सो, आज नहाना रहने दो। हाँ ये देखो ये, आ हा हा, क्या चाहिए, देखिए गाइस ये चिया ने क्या किया है, मैं बेडशीट सही कर रही थी, वो इसको खींचते खींचते यहाँ पर, ये मेरा कप रखा हुआ था, मेरा तो नहीं कुलदीप का था, ये मैंने उनको एक बर्थडे पे दिया था शादी के बाद, आई थिंक फर्स्ट बर्थडे पे, और ये क्या किया देखिए इसने, मैंने उनके लिए खुद ने कस्टमाइज करवाया था, लिख के अपने कुछ थॉट्स। चियो क्या किया बेटा आपने, ये देखिए आप, ये हम दोनों की फोटो थी। हाँ दिखा,
देखा इसने क्या किया, वहां खड़ी थी और उस टुकड़े को और उठाने लग गई। पता नहीं मेरे साथ में क्या अपशकुन हो रहा है गाइज, आई डोंट नो। मतलब आप लोग सोचोगे कि जीजा क्या हर वीडियो में सुबह से ही तीसरी बार है कि कांच टूट रहा है और बोलते हैं कांच को टूटना सही नहीं होता है। सुबह चिया ने एक कांच का गिलास था वो तोड़ दिया था, बाहर वाले रूम में रखा था, कोई गेस्ट आया था तो उसने उसके हाथ मारा मम्मी जी के पास ही, तब वो टूट गया। चलो मैंने कोई बात नहीं हो जाता है। उसके बाद में ये लो बैठ जाओ, उधर मत जाना, मम्मा यहीं है। उसके बाद में फिर किचन में काम करते करते मुझसे कांच का बाउल टूट गया एक। मैंने कहा यार ठीक है, चीहू इधर नहीं आना, यहीं भाग के आ रही है, उधर चलो। नहीं की शैतान है। तो दिन में काम करते हुए मुझसे टूट गया था कांच का बाउल। और अब देखिए इसे रूम में आते कुलदीप की मेरी फोटो लगी हुई मग तोड़ दिया है। अब मुझे ना सच में ऐसे हो रहा है, वरना मैं इतना ज़्यादा ये चीज़ें सोचती, वरना मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें सोचती नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे सुबह से तीसरी बार हो रखा है। मतलब सुना है कि वैसे कांच का टूटना अच्छा नहीं होता, तो मेरा मूड ना बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है। भाई कोई अच्छा पंडित हो ना आप लोगों की नज़र में पड़िया तो मुझे बता दो कॉमेंट करके, मैं पूछी होंगी मेरे कौन से ग्रह खराब चल रहे हैं। भाई अभी बहुत बुरा हो रहा है, तीसरी बार हुआ है सुबह से। मतलब दूसरी बार जैसे ही होता ना तभी मेरे मन में ऐसा आ गया था, मैंने कहा यार ये क्यों हुआ है, और अब आके इसने कब फोड़ दिया। मतलब 3 साल से रखा हुआ है ये कप, और हमारी चूरानी ने देखी उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब इसको ना मैं फेंक सकती हूँ, हमारी फ़ोटो है, अब इसको टूटे को क्या रखूँ आप बताओ। क्या हो रहा है ये, हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। और कल रात का क्लिप आपने देखा था और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जहाँ मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ 11 बजे से, और मेरी वॉइस से आपको लग रहा होगा और मुझे खुद नहीं पता है, मैं खुद भी नहीं चाह रही हूँ कि मैं ये सब व्लॉग में रेगुलर दिखाऊँ, बट पता नहीं लास्ट कितने दिनों से मैं फिज़िकली इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ ना, इतनी सब चीज़ें मेरे साथ पता नहीं क्यों चल रही है। मैंने जैसे आपको कल भी, कल का जो दिखाया कि कल भी ये मतलब बार बार ये सब हो रहा था, उसके बाद मैं आई थिंक मैं लगभग 10 से 15 व्लॉग में आपको बोल रही हूँगी कि मुझे ये यहाँ लग गई है, मेरे यहाँ से कट गया है, मुझे यहाँ से जल गया है, और ये पिछले आई थिंक 1-1.5 महीने से हो रहा है। बट मैं मुझे इनिशियली लगा कि कोई बात नहीं, शायद मैं जल्दी जल्दी काम में लगी रहती हूँ कि फ्री करना जल्दी, उस वजह से हो रहा होगा। बट अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता, डेली डेली कैसे हो सकता है कि अगर मुझे शाम तक नहीं लग रही ना तो रात के 12 बजने में 1 मिनट कम है ना, उससे पहले भी लगेगी, लेकिन एक बार चोट लगेगी। और मुझे लगता है कि कुछ तो यार कुछ तो चल रहा है, कि कोई क्या प्रॉब्लम चल रही है। आज सुबह आपको ये मेरा पूरा दिख रहा होगा, ये पूरा ब्लू हो रहा है, ये देखिए पूरा का पूरा हाथ ब्लू, ये सिर ब्लू, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ना पूरा ब्लू हो रहा है। हुआ क्या ना, मैं अपना सुबह उठ के अपना काम वाम में लग रही थी आराम आराम से, कोई वो नहीं था, चिया सो रही थी। मैंने कल फटाफट अपना काम करती हूँ, और भैया आए थे दूध वूध लेके, तो उन्होंने आवाज़ दी सपना। मैं जस्ट आराम से बाहर वाले रूम में गई हूँ और चिया का रखा था वॉकर, बस मैं उससे उलझी और मैं इतना बुरा गिरी हूँ। मतलब मेरे को 4 जगह चोट आई है, मैं यूँ सिर के बल गिरी हूँ, मेरी यहाँ लगी है, पूरे यहाँ पर दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता आपको इंटरनली चोट लगी है या नहीं लगी है, और मेरे हाथ में बहुत बुरा पेन हो रहा है, पूरी हथेली जो है ना वो मतलब ऐसे एकदम वो खिंच गई है, और इसके एक पैर की नी में लगी है, तो इतना गंदा, मतलब मैं खड़ी भी नहीं हो पाई बहुत देर तक, तो मैं जस्ट बैठी रही। मेरे से मतलब मेरा घुटना ऐसे छिल गया और इतना बुरा दर्द हो रहा है उसमें, और उसके बाद में मैं ऊपर आके इतना रोई हूँ। मुझे अभी ऐसे रोना ही आ रहा है बात करते कि चल क्या रहा है मेरे साथ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डेली यार मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही हूँ, मतलब वीक नहीं, फिजिकली बहुत हर्ट हो रही हूँ, कि पता नहीं मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई पीछे पड़ गया हो, या कोई क्या ग्रह खराब चल रहे हैं, क्या बुरे दिन चल रहे हैं मेरे, क्या मेरी किस्मत खराब चल रही है, अभी समझ में ही नहीं आ रहा। मेरे को ऐसे अभी पड़े पड़े ऐसे रोना आ जा रहा कि मैं मरने वाली हूँ, क्या होने वाला है, डेली ऐसे क्यों हो रहा है। आप खुद देखिए, आपको शायद दिख रहा होगा ये इतना पूरा। अब मम्मी से बात करूँगी यार, कोई अच्छा सा पंडित हो जिसको दिखाऊँ मैं कि
क्या पता क्या दिन ख़राब चल रहे हैं कोई पूजा पाठ से किसी से, क्योंकि यार एक दो बार का आप इग्नोर करते हो बट डेली डेली का तो नहीं होता है ऐसे। मुझे नहीं लगता कि डेली डेली का कोई ऐसे जेन्युइन लग रहा है। आप लोग खुद वीडियो में देख रहे हो, कहीं से हाथ कट रहा है, कहीं से जल रहा है, कभी मैं गिर जाती हूँ, कभी मेरे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर एक डेढ़ घंटे की रेस्ट करने के बाद में मैंने एक पेन किलर ले ली थी, मम्मी जी के पास थी। और फिर बच्चे के लिए देखो उठना पड़ता है, तो बस मैं किचन में आई और उसके लिए फिर मैं सेरेलेक बना रही थी क्योंकि उसको भी भूख लग रही थी। क्योंकि ये सब हुआ जब चिया सो रही थी मेरे साथ में, तो फिर उसने कुछ खाया पिया नहीं, बस उसने एक बार मेरा ब्रेस्ट फीड किया था। अभी यार बढ़ता है इस बार, बच्चा डेली रूटीन से खाता है तो फिर उसको भूख तो लगती है ना, तो बस वो वाली बात थी। तो मैंने कहा चलो यार भाड़ में गया लगना और ये दर्द वर्द, तो उठो अपने बच्चे का देखो। तो बस मैं उठ गई थी और चियू के लिए फिर सेरेलेक बना रही थी। और ये बात होगी शायद 11:30 बजे की, तो फिर मुझे भी भूख लगी थी। और देखो भूख लगे ना लगे खाना पड़ता है बच्चे के लिए, क्योंकि फिर वो भी ब्रेस्ट फीड पे है, तो इसलिए फिर मैंने अपने लिए कोई नाश्ता बनाने की तो मेरी हिम्मत थी नहीं। मैंने फटाफट से बस दूध में अपना ये जो कॉर्नफ्लेक्स है ये सब मिलाया और मैंने कहा यही खा लेती हूँ। खाने का यार थैंक गॉड की सब्जियाँ बनी हुई थी और आटा लगा हुआ था, तो सिर्फ रोटियाँ सेकनी थी, ये सब हुआ उससे पहले। उसके बाद में मैंने बस बैठ के अपना नाश्ता किया और मेरा इतना मूड ऑफ हो चुका था ना गाइस, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे को ना दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि क्यों हो रहा है। और पहले मैं इतनी कच्ची थी ना कि दर्द से अभी तक चिया नहीं हुई होती ना तब तक तो मैं रो रो के बस घर ऊपर उठा लेती, बट वही ना बच्चा होने के बाद में पता नहीं आप कैसे स्ट्रांग हो जाते हो। 3-4 दिन हो गए तो ये सब तो चल ही रहा है। उसके बाद में बस मेरी चियू जो है उसको मैंने नहलाया धुलाया, खाना खिला कर वो अपना सो गई थी। सो चिया को मैंने नहला धुला के उसको तो सुला दिया है। थोड़ा यहाँ पर मैंने आइस रब करी, अभी वापस करूँगी, थोड़ा सा इसमें रिलीफ है। और यहाँ वाली हड्डी पे भी लगी है और रूम की हालत अभी दिखाती हूँ चिया क्या करके रखती है। ये देखिए आप, ये सब जो रूम वगैरह मैंने क्लीन किया। और उसके बाद में जो एक साइड का रेल मैंने उतारा हुआ था, ये मतलब आने जाने के हिसाब से, मैंने इसको भी फिर मैं ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि चियो का पता नहीं है अगर वो उठ गई और उसको ना दिखे तो चल के इधर आ जाती है। थोड़ा सा वो नीचे जैसे कोई उसको सामान दिखता है ना नीचे पड़ा हुआ तो वो उसको उठाने की भी कोशिश करती है, उसमें ये थोड़ी नॉटीनेस है, तो बस उसका मुझे डर रहता है कि वो कहीं गिर विर ना जाए। तो इसीलिए बस इनको मैं लगा दूंगी ताकि उसकी तरफ से सेफ़ रहूं मैं, क्योंकि मुझे नहाना वगैरह काफ़ी सारे काम थे। और ये मेरा एक पार्सल आया था जिसमें मैंने ये टर्मरिक मंगवाई थी अपने फेस पैक के लिए। तो पैक वगैरह जब मैं यूज़ करती हूँ ना उसमें वो जो नॉर्मल हल्दी नहीं लेती हूँ ये अलग से लगाती हूँ। और ये देखिए मौसम बड़ा आज अच्छा हो रखा था, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था। और जस्ट मेरा एक और पार्सल है, बड़ा प्यारा सूट आया था, इसका कलर वगैरह बहुत सुंदर प्रिंट लग रहे थे। ये आया था जोधपुर से बनी ठनी बाई खुशी बैसा की तरफ से। क्वालिटी सूट की बहुत अच्छी थी, कॉटन में था, मगजी अलग थी, तो बहुत ही प्यारा सूट लग रहा था। आप परचेज़ करना चाहते हो ना तो मैं उनका स्क्रीन पे उनका वो डाल रही हूँ, फ़ोन नंबर डाल रही हूँ, उनका इंस्टा अकाउंट भी डाल रही हूँ, तो आप देख सकते हो। बहुत सुंदर सूट लग रहा था मुझे, अब इसका शूट भी करना था। और ये देखिए आप, बड़ा प्यारा प्रिंट वगैरह सब कुछ था इसका। मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है और बस क्या बोलूँ। और प्रीति का फ़ोन आया है, हम लोग कुछ प्लान भी कर रहे हैं, लेट्स सी करते हैं नहीं करते वो तो क्या नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, होप्स आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप लोग। और जो ड्राई फ्रूट वाला था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है सैडलिक का, और जो मैं नेक्स्ट अब दाल वगैरह का वो बनाऊँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी किसी वीडियो के अंदर जब बनाऊँगी तब, एक दो दिन में।